दोस्तों, क्या आप लोग भी YouTube वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को कुछ पता ही नहीं है कि YouTube वीडियो को डाउनलोड कैसे किया जाता है। और आप लोग को ये जानकर हैरानी होती है कि आखिर YouTube वीडियो को डाउनलोड क्यों नहीं किया जा सकता, आखिर क्यों नहीं चाहता YouTube कि आप YouTube के वीडियो को डाउनलोड करें। ठीक है, और यहाँ पर YouTube कोई फीचर्स क्यों नहीं देता YouTube वीडियो को डाउनलोड करके गैलरी में रखने के लिए। सो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे YouTube जो है दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, यूट्यूब ऐप है। लोग अब एंड्रॉयड टीवी पे, गूगल टीवी पे, एंड्रॉयड फ़ोन पर और ना जाने कितने डिवाइसेस, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, पीसी हो, प्रोजेक्टर हो, टैबलेट हो, लगभग हर जगह यूट्यूब वीडियो को वॉच करते हैं। लेकिन फिर भी यूट्यूब लाखों लोगों को YouTube वीडियो डाउनलोड करने की परमिशन क्यों नहीं देता, फीचर्स क्यों नहीं देता, आखिर क्यों इनके खिलाफ है। देखिए, अगर YouTube वीडियो डाउनलोड करने का परमिशन दे तो यहां पर बहुत सारे लोग YouTube को छोड़ देंगे और बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भी YouTube से वीडियो ले सकती हैं, क्योंकि डाउनलोड करने का मतलब ये ही है कि हम परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारे कंटेंट यूज कर सकते हो। और YouTube ये नहीं चाहता है कि आप हमारे कंटेंट को या हमारे क्रिएटर के कंटेंट को आप आउटसाइड जाकर देखो, यानी कि YouTube को छोड़कर देखो। YouTube चाहता है कि आप जो भी वीडियो देखो वो यूट्यूब पर ही, यूट्यूब ऐप को ओपन करके, चाहे किसी भी डिवाइस पर देखो, आप यूट्यूब पर ही देखो, वॉच करो। हाँ, कई मामलों में डाटा का प्रॉब्लम होता है और YouTube इस बात को समझता है। डाटा का प्रॉब्लम यह है कि कभी नेट नहीं रहता, तो ऐसे कंडीशन में YouTube आप लोग को एक फीचर्स देता है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग YouTube वीडियो को डाउनलोड तो कर सकते हो, लेकिन वो आपके फोन की गैलरी में नहीं रहेगा, वो YouTube ऐप पर ही उपलब्ध रहेगा। आप YouTube ऐप को ओपन करोगे और आपका मूवी, वीडियोज, ट्यूटोरियल्स, टिप्स, ट्रिक्स, जो भी वीडियो आपका है, जिस भी कैटेगरी का, आप देख सकते हो, पूरा देख सकते हो। यानी YouTube वीडियो डाउनलोड करने की परमिशन तो देता है, लेकिन YouTube ऐप में ही वो रहेगा, गैलरी में आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते, यानी कि आपके YouTube अकाउंट में, आपके YouTube ऐप में ही वो डाउनलोड वीडियो रहेगा, चाहे वो मूवी हो या फिर कोई वीडियो ट्यूटोरियल्स हो या फिर कोई टिप्स ट्रिक्स वाला वीडियो हो या फिर न्यूज हो, कोई भी वीडियो हो, वो आप गैलरी में नहीं सेव कर सकते। ऐसा और बहुत सारे वीडियो डाउनलोडिंग ऐप है जो YouTube की वीडियो को डाउनलोड करने का फीचर्स देते हैं, लेकिन वो सब ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर भी एक तरह से गूगल का ही हिस्सा है और वो नहीं चाहेगा कि YouTube जो गूगल का ही है उसके कंटेंट को डाउनलोड करने के लिए, आउटसाइड करने के लिए कोई ऐसा ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो, क्योंकि करोड़ों लोग जो है गूगल प्ले स्टोर इस्तेमाल करते हैं। अब वहां से अगर ऐसी कोई ऐप मिल जाए तो लोग धड़ाधड़ यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड करेंगे अपने गैलरी में सेव करने के लिए और लोग यूट्यूब छोड़ देंगे। तो यूट्यूब नहीं चाहता ये कि आप लोग यूट्यूब को छोड़ें, और इसलिए यूट्यूब ऐसा कोई फीचर्स नहीं देता है जिससे आप लोग यूट्यूब वीडियो को अपने गैलरी में डाउनलोड कर लें। हाँ, आप यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि मान लीजिए कि अगर जैसे आपके पास डाटा का लिमिट है, आज दिन भर के डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कल आपका डाटा खत्म हो जाएगा, तो आप चाहते हैं, या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, कहीं और जाते हैं, तो आज जहां पर आपको नेटवर्क की सुविधा है वहां से आप YouTube वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि YouTube ऐप में ही रहेगा, आपके अकाउंट में ही रहेगा।